आज की कहानी है भोला की। भोला एक ऐसा भैंसा है जिसने एक ऐसे डेयरी उद्योग वाले परिवार में जन्म लिया जहाँ काफी समय से कोई भी नर भैंस पैदा नहीं हुआ था। भोला का पैदा होना सभी के लिए ठीक वैसा ही था जैसा किसी परिवार में लगातार पांचवी लड़की का जन्म लेना। मगर वह छोटा भैंसा कहाँ ये बात समझता था। अपने आप को एक भरे पूरे परिवार के बीच पाकर उसकी खुशी का ठिकाना ही नहीं था। बच्चे को अपने पास पाकर माँ भी खुश थी। भोला की बढ़ती शरारतों की वजह से उसके पास गांव के बच्चों का झुंड लगा ही रहता था। वह जब भी अपने मालिक को अपने पास पाता अपने दोनों पैर उठाकर उनके साथ खेलने की जिद करता। उसका मालिक भी इस नन्हे भैंस की करतूत पर हंस देता। धीरे धीरे समय के साथ भोला अपने मालिक से बहुत घुल मिल गया था। भोला की मासूम आंखें उसके मालिक की हर तकलीफ मिटा देती थी, पर वास्तविकता से कोई पल्ला कैसे झाड़ सकता है। जैसे जैसे वक्त बीता भोला बड़ा होने लगा, अब परिवार को ये बात खटकने लगी थी। लेकिन जिस कानून का सहारा एक औरत ले सकती है जब उसकी नवजात बेटी की गर्दन किसी चारपाई के नीचे रखी जा रही हो, उस कानून का सहारा भोला की माँ नहीं ले सकती थी। वो ठहरी एक भैंस। भोला की माँ को कोई सहारा था तो वो था भगवान का। एक दिन भोला के मालिक के पास एक कसाई आया। वे भोला को खरीदने के लिए एक बड़ी कीमत देने को तैयार था। इतने पैसे देखकर उस डेयरी वाले को सबने समझाया कि भोला को बेच दे। वैसे भी भोला की खुराक उसकी आजीविका से ऊपर जा रही थी। भोला के मालिक ने कसाई से एक दिन का समय मांगा, मगर भोला के बचपन की शरारतें और उसकी मासूम आंखों ने उस डेयरी वाले को रात भर सोने नहीं दिया। भोला की माँ भी रात भर रोती रही। सुबह उठकर वह डेयरी वाला भोला के पास गया। सभी बातों से अनजान भोला प्यार से अपने मालिक को चाटने लगा। अचानक से उस डेयरी वाले के भीतर से आवाज आई, तू ये क्या कर रहा है? गौर से देख इस नन्हे जानवर को, महसूस कर इसके शरीर की गर्मी को। क्या इतने समय से तुझे इसके भीतर छुपी आत्मा का अनुभव नहीं हुआ? अब उस डेयरी वाले की आंखों से आंसू बहने लगे थे। उसने भोला की ओर करुणा भरी दृष्टि से देखा। अब उसे भोला की आत्मा में छुपे परमेश्वर भी नजर आने लगे थे। वह बस रोता ही जा रहा था, लेकिन कुछ समय बाद उसने खुद को संभाला और भोला की जान बचाने के लिए तरकीब सोचनी शुरू की। थोड़ी सी जांच पड़ताल के बाद उसे पीपल फार्म के बारे में पता चला। उसने पीपल फार्म को फोन कर अपनी सारी बात बताई। भैंसे को कटने से बचाने के लिए पीपल फार्म ने भोला को ऑफिशियली गोद लिया और अब भोला पीपल फार्म का रेजिडेंशियल एनिमल है। भोला को पुराने घर को भूलकर नए घर को अपनाने में थोड़ा समय तो लगा, लेकिन अब वह यहाँ पूरी तरह से घुल मिल गया है। और हाँ, अब भोला यानी कि एक भैंसा भी अपनी पूरी जिंदगी जिएगा, क्योंकि भगवान ने इंसान को जान लेने की भी ताकत दी है और जान बचाने की भी। भोला की कहानी अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिएगा।